दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डायरिया यानी लूज मोशन के बारे में। दोस्तों जो डायरिया होता है वो मुख्य रूप से किसी वायरस या बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। इसका मुख्य लक्षण होता है बॉडी को डिहाइड्रेट करना यानी शरीर से पानी को निचोड़ देना। शरीर अगर हमारा डिहाइड्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। डायरिया एक्चुअली एक तरीके का लूज मोशन होता है जिसमें पेट में मरोड़ उठती है, पेट में दर्द रहता है, उल्टी करने की इच्छा रहती है, ऐसा लगता है बार बार कि वॉमिट होगा लेकिन होता नहीं है। साथ साथ में हमारे भूख बहुत कम हो जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है, शरीर का वजन धीरे धीरे घटना शुरू होगा। इस तरीके से शरीर अगर आपका 60 पे है तो 45 पे कब पहुंच जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसका इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है, मतलब आप एक दिन में कम से कम 5 से 7 बार भी मोशन जा सकते हैं, यानी इतना ज़्यादा खतरनाक होता है डायरिया। और दोस्तों इसके अलावा काफ़ी हद तक ऐसा भी होता है जब आप बैठ रखे हैं और एकदम से आप खड़े होंगे तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा और आपको चक्कर से आने लग जाते हैं क्योंकि शरीर हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और इसके अलावा काफ़ी बार आप जब लूज मोशन आपको होते हैं या आप पॉटी जाते हैं यानी मल का त्याग करते हैं तो उस समय भी आपके मल द्वार से खून भी आ सकता है, यानी इस तरीके की काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन यानी दिक्कतें आपको डायरिया में हो सकती हैं। तो आपको इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपको सच में डायरिया की शिकायत है तो आपको योगाभ्यास करना चाहिए। योगा करने से होगा क्या, हमारा जो डाइजेशन, हमारी पेट की जितनी भी मसल्स हैं, अंदर की ऑर्गन्स हैं यानी अंग हैं जितने भी, उनकी अच्छे से मसाज होती है। फिर वो अगर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स यानी अंगों की अच्छे से मसाज होगी अंदर से तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शरीर है वो पहले की तरह सही होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू इन योगाभ्यास को फॉलो करना है जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट योगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो जाए, इसलिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। चलिए दोस्तों आ जाते हैं हम पहले योगाभ्यास की तरफ जिसे हम बोलते हैं वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन के अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए बैठ जाना है वज्रासन की पोजीशन में इस तरीके से, यानी आपके दोनों घुटने मुड़ जाएंगे और पीछे की तरफ चले जाएंगे और पूरी बॉडी का जो वेट है हमारे पैरों पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 1 मिनट तक इसी पोजीशन में यानी वज्रासन में आपको बने रहना है, कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। अगर आप इस पोजीशन में कम से कम 1 मिनट तक बैठेंगे तो आपको पेट में हल्की हल्की गुड़गुड़ सी महसूस होना शुरू हो जाएगी, यानी फिर आप ऑटोमेटिकली समझने लग जाएंगे कि हाँ ये आसन अपना काम करना शुरू कर रहा है। तो आपको इसी पोजीशन में कम से कम 3 से लेकर 5 मिनट तक बने रहना है और 3 बार इसका अभ्यास करना है। दोस्तों वज्रासन हमारे 99% रोगों में लाभकारी होता है, तो आप इसे आराम से किसी भी समय कर सकते हैं। और अगर आपको घुटनों में तकलीफ है इसे करते हुए तो आप अपने घुटनों के नीचे किसी तरीके का तकिया या फिर कोई सॉफ्ट सा पिलो, कपड़ा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे हम दूसरे योगासन की तरफ जिसे हम बोलते हैं मलासना का अभ्यास। मलासन दोस्तों बहुत ही बढ़िया अभ्यास है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे पेट में जितनी भी तरीके की दिक्कतें होती हैं उनको बहुत हद तक सही करने में हेल्प करता है और हमारे पेट की सफाई करता है, साथ में कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। तो देख लेंगे आपको किस तरीके से करना है। पहले अपना राइट लेग आके लेके आएंगे, फिर अपना लेफ्ट लेग लेके आएंगे। इस तरीके से आपको इस तरीके से उकड़ू पोजीशन में बैठ जाना है, अपने पेट को दबाना नहीं है, ध्यान रखेंगे पैर आपके खुले हुए रहेंगे और इसी पोजीशन में दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखते हुए बैठ जाएंगे। इससे हमारा जो पेल्विक पार्ट होता है उसकी भी मसाज होती है एक तरीके से, और हमारे जितनी भी हमारी नीचे की ग्रंथियाँ होती हैं उनमें बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और लाभ मिलता है। हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जितने भी हमारे जननांग होते हैं उन पर बहुत ही बढ़िया प्रेशर डालता है। तो इसी में आपको 3 से लेकर 5 मिनट तक बने रहना है। इसे हम बोलते हैं मलासन का अभ्यास। इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। चलिए अब यहीं से आएंगे हम तीसरे योगासन की तरफ जिसे हम बोलते हैं उत्तानपाद आसन का अभ्यास। ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है और अगर आपको डायरिया की शिकायत है तो ये आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। चलिए लेट जाएंगे मैट पर, इजीली कंफर्टेबल होकर लेट जाना है, किसी भी तरीके का आपको प्रेशर नहीं लेना है। ध्यान रखेंगे पैरों को सीधा रख लेंगे शवासन की पोजिशन में,
बॉडी को रिलैक्स करते हुए। अब यहीं से करना क्या है, अपने दोनों हाथों को रख देंगे अपने कूलों पर। इससे ना एक सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप दोनों हाथों को इस तरीके से अपने कूलों के नीचे यानी बटेक्स पे रख देंगे, तो दोनों पैर जब आप उठाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत या दर्द की दिक्कतें नहीं आएंगी। अब धीरे से दोनों पैरों को आपको 20 डिग्री में ऊपर उठा लेना है, यानी हल्का सा ऊपर उठाते हुए आपको होल्ड करना है। इसमें आपको 30 सेकंड तक बने रहना है। तो श्वास को भरते हुए दोनों पैर उठा लेंगे ऊपर और यहीं पर आपको 30 सेकंड तक बने रहना है। दोस्तों ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सरल लगता है, लेकिन जब आप इसका शुरुआती टाइम पर अभ्यास करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये इतना भी आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप आराम से 1 से 2 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं उत्तान पादासन का अभ्यास, यानी दोनों पैरों को हवा में उठा लेना, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। दोस्तों आपको इस उत्तान पादासन का अभ्यास शुरुआती टाइम पे 30 सेकंड तक होल्ड करते हुए करना है। उसके बाद अगर आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसे 1 मिनट तक भी होल्ड करेंगे या कर सकते हैं, और इसे 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे हम चौथे योगासन की तरफ और अंतिम योगासन, जिसे हम बोलते हैं नौकासन का अभ्यास। नौकासन भी दोस्तों एक ऐसा अभ्यास है जो कि हमारे पेट पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, पेट से संबंधित सभी रोगों में लाभकारी होता है। हमें इसमें करना क्या है, बॉडी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को उठा लेना है, और उठाना किसके सपोर्ट पे है, अपने कूलों के सपोर्ट पे, यानी अपने बटेक्स के यानी हिप्स के सपोर्ट पर पूरी बॉडी को लिफ्ट कर लेना है, और उसी में आपको 30 सेकंड तक बने रहना है। देख लें किस तरीके से करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर इस तरीके से आपको उड़ जाना है। इसे बोलते हैं हम नौकासन का अभ्यास। इसी में आपको 30 सेकंड तक बने रहना है, फिर धीरे से रिलीज करते हुए डाउन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 ऐसे योगासन जो कि हमारी डायरिया की समस्या को ख़त्म करने में हेल्प करेगा, और दोस्तों आपको इसका अभ्यास कंटिन्यू करना है, यानी डेली करेंगे, और सुबह के समय आप इसे कर सकते हैं और शाम के टाइम, मॉर्निंग या इवनिंग में आप किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पेट उस टाइम खाली रहना चाहिए जब भी आप इन योगासन का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे। और दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, और साथ साथ में आप कमेंट्स बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।